हाय एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल एसोसिएट जॉब के बारे में। तो उसके लिए क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, क्या आपकी एक जॉब के डे टू डे में आपको क्या क्या करना पड़ सकता है, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे। एज अ फाइनेंशियल एसोसिएट आप जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको प्रिपेयर करेंगे और उसको रिव्यू करने का काम आपका होगा एज अ फाइनेंशियल एसोसिएट। एज अ फाइनेंशियल एसोसिएट आप जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको मैनेज करेंगे और जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको भी आप प्रोसेस करेंगे और जो भी उससे फाइनेंशियल डेटा आपके पास आएगा उसको एनालाइज करने का काम भी आपका होगा। एज अ फाइनेंशियल एसोसिएट आपका ये भी काम होगा कि जो आपके कंपनी में जो सीनियर मैनेजर्स हैं या फिर आपके साथ जो काम करने वाले हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो काम करने वाले हैं, उनको आप कंप्लायंस क्या है उनके बारे में बताएंगे, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो काम करने के उन सब की जानकारी भी देने का काम आपका हो सकता है। आपकी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी वो थोड़ा थोड़ा चेंज हो सकती हैं जहां पे आप जॉब कर रहे हैं उसके हिसाब से, बट एज अ फाइनेंशियल एसोसिएट आपका एक की रोल होगा जो कंपनी का जो भी फाइनेंशियल जो हेल्थ है उसको मेंटेन करने में ऑप्टिमल तरीके से काम हो व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस, ये सब देखने का काम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आप अपनी कंपनी का फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग प्रोसेस भी देखेंगे, आप ये भी देखेंगे कि एक्सपेंसेस क्या हैं आपकी कंपनी के, किस तरीके से उसमें अगर आपको लगता है कि कुछ कट करना पड़ सकता है या कट करना चाहिए तो आप वो भी देखेंगे। उसके अलावा आप स्ट्रैटेजीज भी बनाएंगे कि जिससे कंपनी की ग्रोथ जो है वो बढ़ाई जा सके, कंपनी प्रॉफिट में रहे, इन सब चीजों को इंश्योर करने का उसके लिए एडवाइस देने का काम आपका होगा। तो मोटे तौर पे हम लोग कह सकते हैं कि एक फाइनेंशियल एसोसिएट के रूप में आपका काम ये होगा कि आप फाइनेंशियल डेटा को लेंगे, उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे और बेस्ट इंटरेस्ट देखेंगे अपनी कंपनी का कि कहाँ से जो क्रिटिकल डिसीजंस होंगे कंपनी के उसमें आप एडवाइस देंगे कि किस तरीके से डिसीजन लिए जाए जिससे कि कंपनी को प्रॉफिट हो और बेटर स्ट्रैटेजीज बनाई जा सके, कीपिंग इन माइंड कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं या जो कंप्लायंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये सारा काम हो। तो एज अ फाइनेंस एसोसिएट आपको काफ़ी कुछ जानकारी भी होनी चाहिए जब आप एडवाइस देंगे या डेटा को एनालाइज करेंगे, तो जैसे अकाउंटिंग है या टैक्स है उसके बारे में भी आपको काफ़ी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इन सारी चीज़ों को एनालाइज करके एक होलसम एडवाइस दे पाएंगे। तो आपके जो रोल्स होंगे या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी उसमें बहुत काफ़ी चेंजेस भी हो सकते हैं बेस्ड ऑफ आप कहाँ काम कर रहे हैं। आप बजट भी प्रिपेयर करेंगे, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी बनाने का काम आपका हो सकता है, जो कोई परचेजेस भी हो रही हैं उनको अप्रूव भी आप करेंगे। तो एज अ फाइनेंशियल एसोसिएट आप देखेंगे कि काफी वैरिड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो होंगी आपके ऊपर। आपको पेरोल जो डॉक्यूमेंट है वो भी आपको बनाने होंगे, अकाउंटिंग के जो रिकॉर्ड्स हैं उसको भी मैनेज करने का काम आपका होगा। अगर आपकी कंपनी में रिव्यूज हो रहे हैं या ऑडिट्स हो रहे हैं तो उनको भी आप असिस्ट करेंगे और उसके अलावा जो टैक्स प्रिपरेशन होगी कंपनी की उसमें भी आप हेल्प करेंगे, क्योंकि आपको एक तरीके से काफ़ी कुछ नॉलेज है और फाइनेंशियल हेल्थ का ध्यान आपको रखना है, काफ़ी कुछ आपकी एडवाइस पे निर्भर करेगा, इसलिए आप इन सब चीज़ों में भी हेल्प करेंगे। जो कंपनी के फाइनेंशियल प्रोसेस हैं या बिजनेस प्रोसेसेस हैं उनको किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है, तो इसके लिए भी आप अपनी रिकमेंडेशंस देंगे, आप सीनियर मैनेजर्स को एडवाइस भी कर सकते हैं, आपके जो इंटरनल डिपार्टमेंट्स होंगे कंपनी में आप उनको भी एडवाइस देंगे और ये जो सारा फाइनेंशियल प्रोसेस होगा आप उसको डॉक्यूमेंट भी करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है डॉक्यूमेंट होनी चाहिए जिससे कि एग्जैक्टली पता हो कि कंपनी में क्या प्रोसेस चल रहे हैं, क्या डिसीजंस लिए गए या क्या आपके सजेशंस थे जिनके ऊपर बेस्ड जो स्ट्रैटेजीज बनी वो कंपनी के लिए बहुत फायदा करी, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो कि आगे फ्यूचर में जिससे लर्निंग ली जा सकती है, तो इन सब चीजों के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत जरूरी होगा। एक फाइनेंस एसोसिएट बनने के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए आइदर बिजनेस में या अकाउंटिंग की हो या मैथ्स में हो,
फाइनेंस में हो, तो ये सारी रिलेटेड डिग्री आपके पास होंगी, तब आप एक अच्छे फाइनेंस एसोसिएट बनेंगे। इसके अलावा आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो लेट्स से अगर आप जब अपनी डिग्री कर रहे हैं तो अगर आपने कोई इंटर्नशिप कर ली तो आपको वो एक वर्किंग नॉलेज हो जाएगी। एनालिटिकल थिंकिंग की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप ना केवल की जो फाइनेंस का डेटा है उसको आप गैदर कर रहे हैं, उस पर रिसर्च कर रहे हैं, उसके अलावा आप उसको एनालाइज भी कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो प्रोसेसेस हैं उनको बेटर बनाया जा सके, क्या और किया जा सके जिससे कि कंपनी जो है वो प्रॉफिट में रहे। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे होने चाहिए, क्योंकि आप ना केवल कि अपने जो रिसर्च है वो कर रहे हैं, बल्कि आप अपने इंटरनल जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको एडवाइस दे रहे हैं, आप अपने सीनियर मैनेजर्स को या जो टॉप बॉसेस होंगे आप उनको भी एडवाइस दे रहे हैं। ये सारा जो काम है आपको बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से करना पड़ेगा, तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स जो हैं उनकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। आप में क्रिटिकल थिंकिंग की जो स्किल है वो होनी चाहिए, और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आप में एक स्किल होना चाहिए, जिससे कि कोई प्रॉब्लम है आप उसको सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आप चीज़ों को एनालाइज करके आपकी एडवाइस दे रहे हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी होना चाहिए। इसके अलावा जो कंप्यूटर की एक नॉलेज है, बेसिक नॉलेज के अलावा जो थोड़े से प्रोग्राम्स हैं जिसपे आप काम करेंगे, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत होता है, रादर देन इंट्यूशन पे बेस्ड जो डेटा एनालिसिस होती है या फिर स्ट्रैटेजीज बनती हैं, इसके बजाय आजकल जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर्स हैं, उन पे ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है, तो आपको उनकी भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जाना फाइनेंस एसोसिएट के जॉब के बारे में। अगर आपके अभी भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।